दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं आपके लिए रोज नई नई वीडियो लेके आता रहता हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप जो भी खाएं वो आपके शरीर को लगे तो आपको किसी भी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर आप जो भी खाते हो वो आपके शरीर में लगता है या सारे न्यूट्रिशन उसके आपकी बॉडी ऑब्जर्व करती है तो आपकी बॉडी आसानी से बन जाएगी। अभी क्या हो रहा है कि अभी आप जो भी खाना खाते हो वो आपके शरीर में ऑब्जर्व नहीं हो रहा है, या यूं कहें कि आपकी बॉडी में वो खाना लग नहीं रहा है, जिसकी वजह से आपका वजन नहीं बढ़ रहा है और आपके मसल्स नहीं बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो ध्यान से देखें, पूरा देखें, क्योंकि आज के वीडियो में जो मैं आपको बताने वाला हूं उससे आपकी ताकत बढ़ेगी, आपका स्टेमिना बढ़ेगा और आपका मसल्स बहुत तेजी से ग्रो होना शुरू हो जाएगा, यानी आपकी बॉडी बहुत जल्दी जल्दी बनना शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों, आप जो भी खाना खाते हो वो सबसे पहले पेट में जाके पचता है और बॉडी उसमें से न्यूट्रिशन को निकाल कर शरीर को बनाने के लिए यूज़ करती है, यानी आप जो खाना खाते हो उसमें से ही उसका निचोड़ निकलता है और आपकी मसल्स बनती है। यानी आप जो खाना खाते हैं वो पचता है, पचने के बाद वो खाना लीवर में जाता है, लीवर ही उस खाने को एब्जॉर्ब कराता है। यानी आपने जो खाना खाया वो लीवर में गया और लीवर ही उस खाने को शरीर के दूसरे हिस्सों तक पहुँचाता है। यानी आप जो खाना खाते हैं वो खाना लीवर के थ्रू ही आपके दिमाग तक पहुंचता है, उसके बाद ही दिमाग आपका अच्छे से काम करता है। सिर्फ दिमाग ही नहीं दोस्तों, शरीर के दूसरे हिस्से भी खाने की वजह से ही काम करते हैं। यानी एक बात तो आप समझ गए होंगे कि यदि आपको अपने शरीर को मजबूत बनाना है तो आपके लीवर को मजबूत बनाना बहुत ज़रूरी है। यानी आप जो प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं वो अगर आपके शरीर को नहीं लगेगा तो आप कितना भी प्रोटीन खाओ, कितनी भी अच्छी अच्छी चीज़ें खा लो, आपकी बॉडी नहीं बनेगी। तो दोस्तों, बहुत सी बार आप कमेंट करके पूछते हो कि प्रोटीन खाने के बाद भी हमारी बॉडी क्यों नहीं बन रही। तो दोस्तों, आपका लीवर सही से काम नहीं कर रहा है, जिस वजह से आप जो खा रहे हो वो आपकी बॉडी को लग ही नहीं रहा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में जान लेते हैं कि कैसे आप अपने लीवर को स्वस्थ रख सकते हो। तो दोस्तों, आपके लीवर को यदि आप साफ रखना चाहते हो तो आपको खानी है ग्रीन वेजिटेबल्स, सलाद। अब आप में से बहुत से लोग बोलेंगे कि वेजिटेबल्स और सलाद खाने से तो बॉडी नहीं बनती, लेकिन दोस्तों आपको बता दूं कि वेजिटेबल और सलाद में फाइबर होता है, जिसकी वजह से हमारा लीवर साफ होता है और उसके बाद आप जो भी खाते हो वो एब्जॉर्ब होती है, यानी आपकी बॉडी को लगती है। अगर आप प्रोटीन खाओगे उसके बाद तो वो प्रोटीन एब्जॉर्ब होगा और आपके मसल्स को बड़ा बनाने में मदद करेगा। इसके बाद आपको खाना है दही। दोस्तों, अगर आप दही खाते हो तो आपकी बॉडी में गुड बैक्टीरिया बढ़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, दही खाने से आपका डाइजेशन अच्छा होता है और आप जो खाते हो वो आपकी बॉडी को लगता है। इसके बाद आपके लीवर को मजबूत बनाने के लिए आपको करना चाहिए कम से कम 15 से 20 मिनट एक्सरसाइज। जी हाँ दोस्तों, अगर आप 15 से 20 मिनट एक्सरसाइज, जो भी एक्सरसाइज आपको पसंद हो वो एक्सरसाइज अगर आप करते हो तो इससे भी आपका लीवर मजबूत बनता है। और अगर आपका लीवर मजबूत होगा तो आप जो खाओगे वो अच्छे से पचेगा और आपकी बॉडी आसानी से बनना शुरू हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों, अगर आप अपने लीवर को स्वस्थ रखना चाहते हो तो आपको मिठाइयाँ और तली गली चीज़ें जैसे समोसा, कचौरी, इनसे दूरी बनानी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा ऑयली फूड, प्रोसेस्ड फूड और कोल्ड ड्रिंक, चिप्स वगैरह, ये खाने से हमारे लीवर पर ज़्यादा प्रेशर पड़ता है और उसकी वजह से हमारा लीवर ज़्यादा अच्छे से काम नहीं कर पाता और हम जो खाना खाते हैं वो अच्छे से पचता नहीं और हमारी बॉडी को लगता नहीं। आप कोल्ड ड्रिंक, चिप्स की जगह मार्केट में गन्ने का जूस पी सकते हैं, केले खा सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि आप बॉडी में जो भी डालें वो ताज़ा और अच्छा होना चाहिए। तो दोस्तों, आज के वीडियो में जो भी आपको टिप्स बताए गए हैं, अगर आप उन पर चलेंगे तो आपका वज़न बहुत जल्दी से बढ़ना शुरू हो जाएगा। यकीन मानिए, एक से दो हफ्ते में ही आपको रिजल्ट दिखना शुरू भी हो जाएगा।
तो दोस्तों आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है।